राइट मैसेज राइट कम्युनिकेशन कंट्री इनसाइड न्यूज। तो आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा का घेराव करने भाजपा की टीम पहुंच चुकी है और यहां पे देख सकते हैं चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग कर दिया गया है और यहां देख सकते हैं आप तमाम भाजपा नेताओं को जो कि पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और यहां पे चंडीगढ़ प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है। भाजपा नेताओं को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं सीधे तौर पे फोर्स खड़ी हो गई है, बड़ी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स खड़ी है। आप देख सकते हैं वाटर कैनन, वज्र वाहन, वरुण वाहन सब यहाँ पे एकत्रित कर दिया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा। चंडीगढ़ प्रशासन ने तगड़ा इंतजाम कर दिया है भाजपा नेताओं को रोकने के लिए। देख सकते हैं आप कैसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है तमाम भाजपा नेता। लुधियाना से भाजपा नेता जितेंद्र गोरियान को आप देख सकते हैं कैसे वो सीएम के हाय हाय का नारा लगा रहे हैं और सबसे में आप देख सकते हैं कि कैसे बैरिकेडिंग करके यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन के द्वारा तगड़ी बैरिकेडिंग की गई है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में पुलिस प्रशासन मौजूद है और भाजपा नेताओं को रोकने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सबसे बड़ी खबर हम अभी आपको बता रहे हैं कि पंजाब में चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा के नेताओं द्वारा पंजाब विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं नेता, पर उन्हें रास्ते में रोक लिया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने देख सकते हैं आप बैरिकेडिंग करके सभी नेताओं को रास्ते में ही रोक लिया है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं वाटर कैनन और काफ़ी तगड़ा इंतजाम करके पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है अब देखना ये होगा कि आखिर आगे भाजपा नेता क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सीधे पंजाब सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तमाम नेता लोग यहाँ मौजूद है जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बैरिकेडिंग करके तमाम भाजपा नेताओं को यहाँ पर रोक लिया गया है। देख सकते हैं पीछे ट्रक खड़ा करके, ट्राली खड़ा करके भी पूरे रोड को रोका गया है, बैरिकेडिंग की गई है, पुख्ता इंतजाम किया गया है भाजपा नेताओं को रोकने के लिए ताकि वो विधानसभा का घेराव ना कर पाएँ और विधानसभा तक ना पहुंच पाए। परंतु भाजपा नेता भी कहां मानने वाले हैं, वो यहां पे आके बैरिकेडिंग के पास पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में लुधियाना के भाजपा नेता जितेंद्र गोरियान को आप देख सकते हैं, तमाम भाजपा नेता मौजूद हैं इस बीच में दफ्तर के बाहर। यहाँ पे हमारे साथ पटियाला के जिला एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। हम इनसे समझना चाहेंगे आखिर आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है किस मुद्दे को लेकर के आप लोग यहाँ घेराव करने आए हैं विधानसभा। पंजाब की जी कानून व्यवस्था है वो बुरी तरीके भंग हो चुकी है। अज पंजाब के हर जिले के मैं कह सकता कोने कोने के गोलियां चल रही ने, नौजवान मौतें हो रही ने, पर भगवंत मान जी कदे दिल्ली के होंगे ने, कदे अदर स्टेट के जो चोण आती है सारी पंजाब की जी पुलिस फोर्स है उसनू नाल लैके जाके वख वख राज्यां दे विच अपनी पार्टी के लिए काम करते फिरते हैं। मैं पूछना चाहता भगवंत मान जी नू कि तुहानू मुख्यमंत्री पंजाब के लोगों ने बनाया जां दिल्ली के लोगों ने बनाया। सो भगवंत मान जी जिम्मेवार ने, भगवंत मान जी जवाब देने ना कि केजरीवाल जवाब दे। जे भगवंत मान ने केजरीवाल के थले लग के काम करना सीगा तो फिर पंजाब के मुख्यमंत्री बनन दा उहनू कोई अधिकार नहीं सीगा। लोगों ने वोटां पाईआं ने, लोगों के लिए काम करे। अज भारतीय जनता पार्टी जिहड़ा प्रदर्शन कर रही है, असीं विधानसभा का घराओ करांगे। साडे पंजाब दे प्रधान श्री अश्विनी शर्मा जी, बीबा जयेंद्र कौर जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की कॉल के उत्ते अज जिहड़ा हैगा इत्थे वड्डी गिणती दे जिहड़े वर्कर ने इकट्ठे होए आ ते असीं विधानसभा का घराओ करदे आ। साडी मंग इही है कि भगवंत मान नूं अस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो जिहड़ी पंजाब दे विच कानून की व्यवस्था है उहनूं सख्ती दे नाल लागू करना चाहिए। तुसीं कल भी देखिया होना कि आनंदपुर साहब दे विच भी गोली चली है, उस तो पहला बठिंडे दे विच गोली चली है, अमृतसर दे विच नौजवान मौतां होईआं ने, जगह जगह पंजाब दे कोने कोने दे विच अज नशा विक रिहा है, नौजवान जिहड़े नौकरियां लैण दे लई टैंकियां ते चले होए ने। यही भगवंत मान कहिंदा सी कि ये सरकारां ने जिहड़ियां रवायती पार्टियां दीआं ये जिहड़ियां जानियां जांदियां ने धरनियां दे लई, मैं कहूँगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार है जिहड़ी ये धरनियां दे लई जानी जांदी है। अज पंजाब दे सारे कोनियां दे विच सारा कोने के धरने लग रहे हैं, लोग सरकार का पिट स्यापा कर रहे हैं। सो अज असी आए हैं विधानसभा का घराओ करांगे। साडी मंग है कि पंजाब दे विच कानून व्यवस्था नूं सख्ती नाल लागू किया जाए तो भगवंत मान नूं जिम्मेवारी लेंदे हुए कि मेरे तो काम नहीं हो रहा उन्हें अस्तीफा देना चाहिए। सब किसान मोर्चा के नेता मौजूद हैं, हम इनसे समझना चाहेंगे आप लोग जो यहाँ पे मौजूद है किस कारण से मौजूद हैं और आगे आप लोग को जाने नहीं दिया जा रहा है तो इसको लेकर के आप क्या करेंगे। अज जी पंजाब पुलिस लाई है चंडीगढ़, ये सानू इस तरह महसूस होंदा कि जिवें अंग्रेजां दे टाइम दे विच संघर्ष करन वाले योधे नू रोकिया जांदा सी, अज फरंगियां दी तरह ये सानू साडे देश दे विच साडी राजधानी दे विच ये घेर के रख्या गया।
असी अपने पंजाब दे लोकां दी आवाज़ अखां बंद करके जिहड़े पंजाब दे मुख्यमंत्री सुते पए ने जिन्हां ने वड्डे वड्डे वादे कीते सी कि सरकार आउण ते ऐसी तब्दीली आऊगी कि तुसीं इह सरकार आ जिहड़ी इह देश भगतां दे जिहड़े कुरबानी दे जज्बे आ उहनां नूं प्रचार करूगी उहनां दे सुपनिआं दा पंजाब बणाऊगी। पर अफसोस इस गल दा कि जिहड़ा वी वादा भगवंत मान ने कीता उस वादे विच इक वी वादा नहीं पूरा कीता। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ 50-50 60-60 ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਫਲਾਨਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਲੋ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ MLA ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਸੋਧਿਆ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਉਹੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪੋਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਖੌਟਾ ਪਾਇਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਇਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੇਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੇ ਭੁਗਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜਨਾਲਾ ਕਾਂਡ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਿਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸੋਮੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਤੇ, ਜਿਨਕਾ ਸਾਫ ਸਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋ ਲੇਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਦਾਵਾ ਬੋਲਾ ਹੈ। ਬਨੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਟਰੀ ਇਨਸਾਈਡ ਨਿਊਜ਼ ਕੇ ਸਾਥ, ਧੰਨਵਾਦ।